हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। जैसे कि ऑलरेडी आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा JSSC JEE, हाँ बिल्कुल भी क्लियरली आपको दिख रहा होगा। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो डिप्लोमा लेवल का जो JEE का वैकेंसी आया हुआ है, उसी के लिए जो है कंटिन्यू लेक्चर अपलोड कर रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग का। जो जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन जो है फर्स्ट पेपर में आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट पेपर 120 क्वेश्चन का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा ना, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो 120 में जो 80 क्वेश्चन है वो जनरल इंजीनियरिंग का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल तीनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तीनों ब्रांचेज के लिए जो है वो कॉमन रहने वाला है पेपर। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज भी इससे पहले जो है थर्मोडायनेमिक्स का ऑलरेडी वो लगभग 100+ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाएं, JSSC JEE का प्लेलिस्ट ऑलरेडी हम अपने चैनल पर बना रखे हैं, तो वहां से आप देखें। और चलिए अब आज का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज में। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, तो एक फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो क्या 1 से 2 पॉइंट में W का वैल्यू 0 होगा, यानी वर्क डन 0 होगा। तो हाँ, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में याद रखेंगे कि कोई भी वर्क डन नहीं होता, यानी कि वर्क डन 0, कोई हीट ट्रांसफ़र भी नहीं होता, यानी कि 1 से 2 Q का भी वैल्यू 0 होगा, और साथ ही साथ DU = DU जो है ना वो आपका इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब आपका वर्क और हीट नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी कितना होगा, 0 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, द फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज ए कांस्टेंट इनथैल्पी प्रोसेस। लिखा हुआ है कि क्या फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट इनथैल्पी प्रोसेस है। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज द कांस्टेंट इनथैल्पी प्रोसेस, यहाँ पे है आपका कि करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। यानी कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में इनथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट, इनथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट। अब देखिए, आप चीज़ों को समझिए, इनथैल्पी कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ। इनथैल्पी का कॉन्सेप्ट है ना, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया है, जिसको आप DH से डिनोट करते हैं। तो DH मतलब इनथैल्पी हो गया, तो DH इज इक्वल टू जो होता है, या सिंपली आप H इज इक्वल टू बात करें, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में होता है, तो ये होता है U+PV है ना, यानी कि DU+PV इसका समेशन सिंपली आप बोले, या फिर आप कह सकते हैं U+PV जो होता है यही क्या होता है, इनथैल्पी आपका होता है। तो यहाँ पे देखिए, नहीं वर्क हुआ, नहीं इंटरनल एनर्जी का इंट्रैक्शन हुआ, इसका मतलब हुआ कि इनथैल्पी भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा जब फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, यानी करेक्ट होगा इनकरेक्ट होगा। तो 100% ये करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट जो आपका है वो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वर्क डन इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव होगा। तो अभी ऑलरेडी देखे, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन का वैल्यू 0, एकदम ये जनरल बातें हैं, आप इसको याद रखेंगे, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन का वैल्यू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, किस टाइप का, ऑलरेडी हम आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक, हर एक से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर में ही बातें कर चुके हैं, तो आप जरूर प्रीवियस लेक्चर को देखें, क्योंकि 1 by 1 आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कंटिन्यू लेक्चर अपलोड हो रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स आप बेसिक से देखेंगे तो 1 लेक्चर से, तो आपको समझने में आपके लिए आसानी होगा। इससे पहले ऑलरेडी जो है 7-8 लेक्चर ऑलरेडी मेरा अपलोड हो चुका है, ठीक है, ये 8 या 9 नंबर लेक्चर होगा, तो इसीलिए आप जरूर प्रीवियस लेक्चर को पहले देख लें। इन ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस द रेशियो ऑफ T1/T2, देखिए T1/T2 का रेशियो पूछा है, तो जब भी रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक होगा, आप चीज़ों को समझिए, जब भी रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, तो इस कंडीशन में दो पॉइंट के बीच में आप यदि बात करेंगे, T1/T2 जो होता है वो होता है P1/P2 टू दी पावर γ-1/γ इज इक्वल टू होता है V2/V1 टू दी पावर γ-1। ये फॉर्मूला होता है, ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए होता है, याद रखेंगे। देखिए, ये जो है ना, ये आपका रिवर्सिबल और एडियाबेटिक में वैलिड होता है, और साथ ही साथ आइडियल गैस के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, फॉर आइडियल गैस, तो ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है। अब आप देखेंगे जरा, तो ये इसको आप जरा देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में T1/T2 ही पूछा था इस क्वेश्चन में, तो T1/T2 इज इक्वल टू क्या होगा, P2/P1 फर्स्ट ऑप्शन है, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि T1/T2 चीज़ों को समझिए, सेकेंड ऑप्शन में P1/P2 γ-1 / γ, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल भी
करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में है V2/V1 और फोर्थ ऑप्शन में V1/V2, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, बी वाला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0, n का वैल्यू यदि 0 हो जाए, PV^n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में। देखिए इसमें PV^n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में यदि आप n को 0 कर देते, n 0 हो जाएगा तो समथिंग टू दी पावर 0 कितना होगा 1, यानी प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, तो प्रेशर बराबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब इसमें फर्स्ट ऑप्शन में कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो क्लियरली आप जैसे भी PV^n में n को 0 करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। नेक्स्ट है इफ द इक्वेशन PV^n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, n को 1 कर दिया जाए, n यदि 1 हो जाए तो देन द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल, बिल्कुल भी ये करेक्ट है। यदि n को आप 1 करेंगे, n को 1 कर देंगे, n 1 हो जाएगा, PV बराबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और PV बराबर कॉन्स्टेंट क्योंकि आप जानते हैं PV इज इक्वल टू होता है mRT आइडियल गैस इक्वेशन। अब PV ये पूरा कॉन्स्टेंट हो गया, PV बराबर कॉन्स्टेंट का मतलब होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। PV बराबर कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो ये बिल्कुल भी क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट, यानी ट्रू है या फॉल्स है, तो ये 100% ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इज एडियाबेटिक, प्रोसेस होगा क्या, एडियाबेटिक होगा इफ़ द वैल्यू ऑफ एन इन द इक्वेशन, जब इक्वेशन में जैसे यहाँ पे इक्वेशन है PV^n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एन को क्या कर देंगे कि पॉलीट्रॉपिक हो जाए, सॉरी एडियाबेटिक हो जाएगा। तो एन को यदि आप गामा कर देंगे, एन का वैल्यू को क्या करेंगे गामा, तो फर्स्ट ऑप्शन में है 0, सेकेंड में है 1 और थर्ड ऑप्शन में है गामा, फोर्थ में इनफाइनाइट। तो आप एन का वैल्यू को गामा कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल भी एडियाबेटिक इक्वेशन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द इक्वेशन PV^n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन को इनफाइनाइट कर दे। अब यहीं पे है ना कि एन को यदि इनफाइनाइट कर दिया जाए तो एन को इनफाइनाइट करेंगे तो वॉल्यूम बराबर कॉन्स्टेंट होगा, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, याद रखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। देखिए कैसे PV^n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब क्या कीजिए ना कि इनफाइनाइट से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो यहाँ पे 1/∞ हो जाएगा, यहाँ भी 1/∞ हो जाएगा। अब जानते हैं कि 1/∞ किसी का भी पावर ना 1/∞ यदि होगा तो कितना होगा 0, यानी p का पावर 0, यानी कि क्या हो जाएगा 1, और इन्फाइनाइट कट जाएगा, यानी v इज इक्वल टू क्या आएगा कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आपका इसका जो ऑप्शन होगा वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है द जनरल लॉ ऑफ एक्सपेंशन या कंप्रेशन इज PV^n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दी प्रोसेस इज सेड टू बी हाइपरबोलिक इफ एन इज इक्वल टू। अब प्रोसेस को कब हाइपरबोलिक बोलेंगे, प्रीवियस लेक्चर में भी बातें किए थे। हाइपरबोलिक का मतलब हुआ हाइपरबोलिक कर्व बनना, जैसे 1 से 2 तक प्रोसेस हुआ हाइपरबोलिक कर्व। तो ये किसके लिए है, तो एक्चुअली में PV^n कॉन्स्टेंट के लिए होता है, जो कि आइसो थर्मल के लिए होता है। तो ऑब्वियस है कि PV^n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एन को क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा, एन को जैसे 1 कर देंगे तो PV बराबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी आइसोथर्मल के लिए हो जाएगा, जो इसका हाइपरबोलिक कर्व बनता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा, यानी कि एन को आपको 1 रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ना वो मैच करना है, मैच करने का मतलब होगा ऐसा क्वेश्चन तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर इस तरीके का क्वेश्चन यदि मैच करने वाला से आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट अपना डेवलप कर सकते हैं, जो फर्दर आपको मतलब आपका यूज होगा। ये सब इसको इरेज करते हैं और फिर यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसमें मैच क्या करना है आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट है वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, तो आपको मालूम है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वर्क डन P1V1-P2V2 डिवाइडेड बाय होता है γ-1, यानी कि ए का आपका होगा, ए का आपका सी होगा, ए का आपका सी होगा। सेकेंड में है द हीट एब्जॉर्ब्ड या रिजेक्टेड ड्यूरिंग ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब या हीट रिजेक्टेड क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर ही बात की है कि हीट पॉलीट्रॉपिक का बात किया जाए ना, तो ये होता है γ-1 डिवाइडेड बाय γ-1 W पॉलीट्रॉपिक होता है, यानी पॉलीट्रॉपिक वर्क डन होता है। जरा देखिए, हाँ तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही नजर आ रहा है, यानी कि कहिए तो B का आपका
ए होगा, बी का आपका ए होगा, उससे मैच करना होगा। गामा माइनस वन डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन इंटू, देखिए पॉलीट्रॉपी का वर्क का बात करेंगे तो कितना लिख सकते हैं आप, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक वर्क है। आप एडियाबेटिक वर्क में क्या करते हैं, गामा माइनस वन, तो इसका होगा बी का आपका ए होगा। सी में क्या है, द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स एन इज, प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तो एन का वैल्यू होगा लॉग पी टू बाई पी वन डिवाइडेड बाई लॉग वी वन बाई वी टू। और नेक्स्ट है, इन ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस द रेशियो ऑफ टी वन बाई टी टू, अभी ही लिखे हैं टी वन बाई टी टू का रेशियो क्या होगा, पी वन बाई पी टू गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई गामा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। द वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज, पहले भी ऑलरेडी डिस्कस हुआ, कितना होगा, इज जीरो, ट्रू है या फॉल्स है, 100% ये क्या है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है कि द एरिया अंडर द टेम्परेचर इन ट्रॉपी कर्व, यानी कि एरिया किसके अंडर का, तो एरिया जो है ना वो टेम्परेचर इन ट्रॉपी यानी कि टेम्परेचर टी एस, तो टी एस के अंडर का जो एरिया है ऑफ एनी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट एब्जॉर्ब को रिप्रेजेंट करता है, हीट रिजेक्टेड को रिप्रेजेंट करता है, हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्टेड दोनों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आइदर ए और बी नन ऑफ दीज। तो याद रखेंगे आपका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है डी एस बराबर डी क्यू बाई टी, दोस्तों डी एस बराबर डी क्यू बाई टी है ना, यानी कि चेंज इन ट्रॉपी बराबर डी क्यू बाई टी। तो यदि आप डी क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा टी डी एस, यानी यहाँ से समझ में आ रहा है टी डी एस का मतलब हुआ एरिया अंडर टेम्परेचर वर्सेस इन ट्रॉपी, आपको हीट रिजेक्टेड और हीट एडेड का वैल्यू बतलाएगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट यदि बात करें ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपका है दी हीट एब्जॉर्ब्ड या रिजेक्टेड बाय दी वर्किंग सबस्टांस इज गिवेन बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हीट एब्जॉर्ब्ड या रिजेक्टेड बाय दी वर्किंग सबस्टांस इज गिवेन बाय, हीट एब्जॉर्ब या रिजेक्टेड, तो यही से हो गया हीट एब्जॉर्ब रिजेक्ट यानी डी क्यू बराबर टी डी एस, तो ऑप्शन नंबर वन ही आपका सही है, डी क्यू बराबर टी डी एस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी इंट्रॉपी ऑफ वाटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस इज एज्यूम्ड टू बी, इंट्रॉपी ऑफ वाटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस इज एज्यूम्ड टू बी, यानी कि इसका जो है कितना एज्यूम किया जाता है इंट्रॉपी ऑफ वाटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस। तो याद रखेंगे इंट्रॉपी वाटर जीरो डिग्री सेल्सियस जो होता है पहला ऑप्शन में है वन, दूसरा में है जीरो और थर्ड में है माइनस वन और डी में है आपका जीरो, तो इसका आंसर होगा बी वाला जीरो। इंट्रॉपी का वैल्यू जो होता है ना जीरो डिग्री सेल्सियस पे जीरो होता है क्योंकि इंट्रॉपी को डिफाइन किया गया डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यदि जीरो डिग्री सेल्सियस पे होगा तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा यानी रैंडमनेस नहीं होगा उसमें, उसमें क्या होगा बिल्कुल ऑर्डर्ड वे में होगा, डिसऑर्डर्डनेस भी नहीं होगा, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर्डनेस डिग्री ऑफ रैंडमनेस को ही इंट्रॉपी बोला जाता है। तो जीरो डिग्री सेल्सियस पे बिल्कुल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होगा, एक अरेंज्ड वे वाला स्ट्रक्चर होगा, तो इंट्रॉपी का वैल्यू आप कह सकते हैं जीरो के करीब होगा, मतलब इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, इंट्रॉपी माइनस तो नहीं होगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपका द इंक्रीज इन इंट्रॉपी ऑफ ए सिस्टम रिप्रेजेंट्स, यदि किसी सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज इन अवेबिलिटी ऑफ एनर्जी, नहीं, एक्चुअली में इंट्रोपी जो होता है ना, चीज़ों को समझिएगा, इंट्रोपी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है कॉन्सेप्ट, इनथैल्पी आपका फर्स्ट लॉ से, और इंट्रोपी का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनअवेलेबल एनर्जी से, यानी अनअवेलेबल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंट्रॉपी। जितना ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा एनर्जी का इंट्रॉपी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, कोई भी चीज़ों का डिग्रेडेशन होना मतलब इंट्रॉपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा समझिए इंट्रॉपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन अवेबिलिटी ऑफ एनर्जी लिखा नहीं, अनअवेबिलिटी होता तो ये आंसर हो जाता, इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं होगा, डिक्रीज इन प्रेशर ये भी नहीं, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया अंडर द टेम्परेचर इंट्रॉपी कर्व, द एरिया अंडर द टेम्परेचर इंट्रॉपी कर्व किसका किसका, टेम्परेचर इंट्रॉपी कर्व जो कि अभी देखिए टेम्परेचर इंट्रॉपी कर्व है ना, ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिप्रेजेंट्स द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, अरे वर्क डन नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करता है हीट एडेड और हीट रिजेक्टेड, एरिया अंडर टेम्परेचर वर्सेज इंट्रॉपी हीट एडेड और हीट रिजेक्टेड, यही क्वेश्चन में होता है ना एरिया अंडर प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम,
प्रेशर और वॉल्यूम, तो वो इसका होता, उसका आंसर ये करेक्ट होता कि एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है आपको वर्क डन के बारे में, यानी वर्क डन के बारे में प्रेशर और वॉल्यूम, लेकिन हीट एड और इजेक्टेड टेम्परेचर और इंट्रॉपी, तो ये इसका करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा, मतलब एग्री और डिसएग्री है, तो ये डिसएग्री आपका होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंडीशन फॉर ए रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस इज, यहाँ पे लिखा हुआ है द कंडीशन फॉर ए रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस इज। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आप याद रखेंगे, एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला जो होता है वो आपका डी क्यू अपॉन टी है ना लेस देन इक्वल टू जीरो, डी क्यू अपॉन टी लेस देन इक्वल टू जीरो। अब ये फार्मूला में यदि आपका डी क्यू अपॉन, देखिए डी क्यू अपॉन टी कभी भी जीरो हो जाती है, रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, और यदि आपका डी क्यू इज डी क्यू बाई टी लेस देन जीरो हो तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, एकदम इसको रिकॉल कर लीजिए। और यदि आपका कभी डी क्यू बाई टी ग्रेटर देन जीरो हो जाती है, इम्पॉसिबल को रिप्रेजेंट करता है, इम्पॉसिबल, तो ये कंडीशन याद रखेंगे। तो द कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, इक्वल टू वाला होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट में ही डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो ये करेक्ट होगा, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन डी क्यू बाई टी लेस देन है, ये इरिवर्सिबल के लिए है, और डी क्यू बाई टी ग्रेटर देन जो सी ऑप्शन में है ये भी किसी के लिए है, जो कि ये आपका इम्पॉसिबल के लिए है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगला है द कंडीशन फॉर एन इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, देखिए आ ही गया, तो इरिवर्सिबल के लिए क्या होता है, डी क्यू बाई टी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी लेस देन जीरो, यानी बी ऑप्शन होगा। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी ग्रेटर देन जीरो देन द साइकल प्रोसेस इज रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा, इम्पॉसिबल होगा, तब याद रखेंगे इसका इम्पॉसिबल करेक्ट होगा, भी आपको बता भी चुके हैं। ये तीन कंडीशन याद रखिएगा, ये है क्लॉसियस इनइक्वालिटी है, एक्चुअली में थर्मोडाइनमिक्स में क्लॉसियस का ये कॉन्सेप्ट था, मतलब क्लॉसियस इनइक्वालिटी फार्मूला को बोलते भी हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशियो क्या होता है, तो मोनो एटॉमिक के लिए, अब देखिए आप याद रखेंगे, एक्चुअली में थोड़ा इसको मिरेज करके बताते हैं आपको, एक्चुअली में होता क्या है, तो Cp by Cv का रेशियो को गामा बोला जाता है, Cp by Cv के रेशियो को क्या बोलते हैं, गामा, और मोनो एटॉमिक के लिए जो होता है, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए है ना, मोनो मतलब होता है सेम है ना, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, या फिर मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए ये गामा का वैल्यू 1.67 होता है, लर्न करके रखेंगे। डाया एटॉमिक के लिए जो होता है ये होता है 1.4, जो कि एयर के लिए भी होता है, और साथ ही साथ पॉली एटॉमिक के लिए जो होता है ना, पॉली एटॉमिक, वो होता है 1.33। तो यहाँ पे पूछा था कि रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब सी पी बाई सी बी, वही गामा के बारे में पूछा है, तो कितना होगा, तो ऑब्वियस है इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1.67 होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि दी इंट्रॉपी, खाली जगह है, दी इंट्रॉपी खाली जगह इन एन इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, इंट्रॉपी ब्लैंक है, इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस लीजिए, तो याद रखिएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इंट्रॉपी क्या होगा इसका, इंट्रॉपी इसका जो होगा वो इंक्रीज करेगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इंट्रॉपी इसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रिमेंस कांस्टेंट जो होगा वो इंट्रॉपी आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है क्या, और रिवर्सिबल में होता है, ये इरिवर्सिबल है तो डिक्रीज तो होगा नहीं। इरिवर्सिबिलिटी कब आता है, सिस्टम में फ्रिक्शन की वजह से आता है, हीट जनरेशन की वजह से आता है, हीट जितना बढ़ेगा इंट्रॉपी का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीजेज, आप इसको टिक करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो इस लेक्चर में जो है वो इतना ही डिस्कस करेंगे, अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और भी थर्मोडायनेमिक का और भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो उसको डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन का सीरीज हम आपके लिए चला रहे हैं, बिल्कुल भी आप अच्छे से मन लगा करके पढ़ें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपका ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब
तब तक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ज़रूर आप लेक्चर को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करके अपना प्यारा सा कमेंट मुझे बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।